हेलो गेमर साथ में फिर से खेल रहा हूँ माइनक्राफ्ट अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में। इससे पहले के जो हमारे दो पार्ट्स थे, अगर आपने नहीं देखा है और आप माइनक्राफ्ट में न्यू हो तो जाके ज़रूर देखें ना, आई थिंक आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। और आज का जो हमारा पार्ट थ्री है उसे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ना ऑफलाइन जाकर कुछ काम किए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर मैप बना लिया है। इसका मतलब यह है कि मैं यहीं पर हूँ, रहने वाला हूँ, यहीं पर रुकने वाला हूँ। और मैंने एक और काम किया, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, हम लोग जब इंचांटमेंट टेबल के लिए हमें काफ़ी सारे पेपर्स लगने वाले, मुझे पता है, ठीक है। इसीलिए मैंने ना यहाँ पे शुगर केन का अभी से ही फार्मिंग स्टार्ट कर दिए, ताकि जब हमारा टाइम आए इंचांटिंग टेबल बनाने की, तभी हम लोग को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। और यहाँ पे सेकेंड मैंने यहाँ पे एक माइन बनाई है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइंड किया है कोई भी केव, पर यहाँ पे केव मिला ही नहीं। कोई अगर क्यों मिला भी तो उसके अंदर पानी भर रखा था, मैं अंदर नहीं जा सकता। मैं आपको यहाँ पे अंदर भी जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अंदर भी मतलब कुछ खास तो नहीं है, यहाँ पे अभी मॉब नहीं है क्योंकि मैंने मार दिया है। अभी मेरा गेम मोड इजी है, उतना भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बस मुझे एक चीज़ मिला था, लैपिस लजूली, मैंने इसे तोड़ा नहीं, मैं बोला वीडियो में ही तोड़ेंगे। और अभी मैं इसको तो पूरा ले लेता हूँ। ये मैंने ले लिया है और नीचे भी कुछ नहीं है, बस जैसा अपना केव रहता है वैसा है, बस पानी भर रखा है अंदर पूरा का पूरा। अंदर हम लोग ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते। और यहाँ पे नीचे है ग्रास, हमारा यहाँ पे पानी के केव के अंदर वाटर के अंदर ग्रास है भाई। इतना ज़्यादा रेयर भी नहीं है इस एक्सपेरिमेंटल मोड में, लेकिन अब हमें ऐसा ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, इसलिए ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा रेयर है, ठीक है। और अभी मैं आपको जाके नीचे भी दिखा देता हूँ। पूरा बेडरॉक तक मैंने इसको लेके गया, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। और ठीक है, मैं आपको नीचे भी ले जाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास अभी 56 लैपिस लजूली हो चुके हैं, क्योंकि माइन करते हुए भी थोड़े से मिले थे। और अभी मैंने आपके सामने जो ब्रेक किए वो 3-4 ऐसे मिल गए। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, केव है वैसे ही रखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। आप मतलब यार कोई फ़ायदा नहीं, अब तो भाई माइनक्राफ्ट ऐसा लगता है कि क्यों खेलें, कैसे खेलें, कुछ मिलता ही नहीं है जल्दी। जहाँ पे केव मिलता है काफ़ी मुश्किल से, वो भी यहाँ पे पानी भर रखा है। अब यहाँ पे ना मुझे ना नीचे एक डायमंड दिखा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। सिर्फ एक डायमंड है, मेरे को जल्दी जाना होगा वहाँ पे ना। सिर्फ जा कर के आने में ही मेरे जो बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अभी यहाँ से मैं जाऊँगा और तब तक ये मेरे बबल्स ख़त्म हो जाएंगे। मतलब मैं वो डायमंड तोड़ नहीं सकता, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि तोड़ लेते हैं ना, अगर हार्ड जाते भी हैं तो। वैसे तो मैंने ईजी कर रखा है, तो मेरे हार्ड्स उतने भी ज़्यादा नहीं जाने चाहिए जहाँ तक मेरा ख्याल है, लेकिन एक बार रिस्क लेके देखते हैं, शायद हमारा पहला डायमंड मुझे मिल जाए, ठीक है। तो मैं इसे जाके ब्रेक करता हूँ, फटाक से इसे ब्रेक करते हैं, ठीक है। इसे थोड़ा स्पीड में करते हैं ब्रेक, हो जा भाई। ओके हो गया, बस थोड़ा सा और ये हो चुका है हमारा डायमंड ब्रेक। अब जल्दी से चलना पड़ेगा, वैसे मेरे हार्ट्स अभी तक गए नहीं इजी में शायद, इसीलिए ठीक है। ये हो गया हमारा पहला डायमंड, हमें मिल चुका है। और अभी हमें चलना चाहिए नीचे, चलते हैं नीचे, मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे भी क्या क्या है। और ये रहा हमने जहाँ पे अभी गए थे, इसके नीचे भी चलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, हम लोग नीचे जा रहे हैं और यहाँ पे नीचे भी मुझे एक क्यू मिली थी, जो क्यू के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3-4 जगह लावा भर रखे हैं और आयरन है, गोल्ड है, बस और कुछ भी नहीं है। यहाँ देखो, मैं यहाँ पे ब्रिजिंग करके आगे गया तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, मैंने बस टॉर्चेस लगा दिए ताकि मॉब जो है ना वो स्पॉन ना हो और मैं आप लोग को आसानी से दिखा सकूं, ठीक है। और जब मैं पहली बार आया था तो काफ़ी सारे मॉब थे, और मैं आपको इधर भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी लावा ही लावा है। और इसके अंदर अगर मैं ब्लॉक रखने की कोशिश करूँ तो ब्लॉक भी ये रख सकता, मतलब काफ़ी ज़्यादा गहरा है। और अभी आगे भी जाके दिखा देता हूँ, यहाँ पे गोल्ड है, गोल्ड ले लेते हैं हम लोग। मैंने कुछ भी अभी तक लिया नहीं है, बस मेरे जो माइनिंग के रास्ते में जो जो आया बस वही लेके रखा है, और बाकी जो जो मैंने देखा मैंने कुछ भी अभी तक नहीं लिया। मैंने सोचा सब वीडियो में ही लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आयरन भी हो गया थोड़ा सा, वाह यहाँ पे रेड स्टोन है, अगर इसकी जगह डायमंड होता ना तो मज़ा आ जाता, ठीक है। यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, अंदर भी जाने पर यहाँ पे भी लावा आ जाता है हमारा, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, बस
अब कोई मतलब नहीं बनता यहाँ इसके का। और ना इसके नीचे भी मतलब कैसा है, अभी हम लोग माइनस दो तीन पे हैं आई थिंक, मुझे नहीं पता, मैं एक बार देखता हूँ। यहाँ पे हम लोग जो हैं माइनस 17-18 पर हैं, और यहाँ पे मैंने नीचे भी जाने का रास्ता बनाया, पूरा बेड रॉक तक गया, माइनस 63-53 ऐसा गया है नीचे तक एकदम। ठीक है, तो अभी चलते हैं ऊपर, क्योंकि नीचे कुछ दिखाने लायक है ही नहीं ना, तो ऊपर चलते हैं फटाक से। ये हम लोग आ गए ऊपर, और अभी यहाँ पे कुछ वैसे करने के लिए बचा नहीं, मैं अपना आयरन जो है ना उसे स्मेल्ट कर लेता हूँ अभी के लिए। और यहाँ पे हमारा जो जितना सामान था मैंने यहीं पे रखा था, मतलब जितना ब्लॉक व्लॉक तोड़ा था मैंने उससे एंड वैंड सब यहीं पे रखा था। मैं डायमंड वायमंड भी यहीं पे रख देता हूँ, क्योंकि लेने वाला तो कोई है ही नहीं है, कोई सर्वर तो है नहीं, तो मैं यहाँ पे अकेला हूँ, तो मैं सारे सब कुछ यहाँ पे रख देता हूँ अभी के लिए। और मुझे थोड़ी सी ऐसा लगता है कि लकड़ियों की ज़रूरत है, क्योंकि चेस्ट वेस्ट भी बनाना पड़ेगा। देख सकते हो अभी तक मेरे जो हमारा चेस्ट ये वाला फुल हो चुका है, तो एक चेस्ट बनाने के लिए मुझे लेना पड़ेगा एक वुड, और वुड के लिए मैं कोई एक्स भी चाहिए। मेरे पास एक एक्स पड़ी है, लेकिन उसका जो हेल्थ है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो इसको मैं फटक से यहाँ पे ले लेता हूँ स्टोन, और चलते हैं बना लेते हैं एक एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आए और बन नहीं रहा है। अच्छा, मेरे पास स्टिक नहीं है, मैं जाके स्टिक भी लेके आता हूँ, क्या है। ठीक है, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे आकर के एक स्टिक, और यहाँ पे तीन स्टिक पड़ी हुई है, ले लेते हैं, और वहाँ पे जाके हम लोग फिर वुड काटेंगे। ठीक है, और क्योंकि अभी कैसा है यहाँ पे सैंड बायोम में, तो यहाँ पे थोड़ा काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं, बट थोड़ा ही दूर जाना पड़ता है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। एक एक्स हमने बना लिया, रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेते हैं ताकि मरने होने पे रिस्क नहीं लेना चाहता, बस इतना है। तो चलते हैं जंगल में। और ना अब मैंने यहाँ पे मैप बनाया है, मतलब घर तो यही बनाऊंगा, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ट्री हाउस बनाते हैं इन दोनों ट्री में, ऐसा मुझे कुछ लगता है, तो वो फ्यूचर में देखते हैं कि हम लोग को कैसे बनाना है। अभी के लिए हमें तो वुड की ज़रूरत है, तो इसे फटाफट काट लेते हैं, फटाफट ले लेते हैं ढेर सारा वुड, और उसके बाद ये हमारा हो जाएगा लास्ट वुड। लास्ट वुड भी हमने काट दिया, हमारे पास काफ़ी सारा वुड अभी के लिए हो चुका है। अभी चलते हैं हम लोग अपने घर पर। और आज की इस वीडियो के लिए ना इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग और भी थोड़े डायमंड्स फाइंड करने चलेंगे, और आपको भी इसे पता चल जाएगा कि आखिर हम लोग केव एंड क्लिफ में डायमंड कहां पर फाइंड कर सकते हैं, कहां पे ज़्यादा आसान होगा। इसी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।